हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड दिल्ली सल्तनत का एक टॉपिक रहेगा, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। हालांकि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 डायनेस्टीज आती है, जिसमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और फिर उसके बाद लास्ट में लोदी डायनेस्टी। तो हम लोग आज सिर्फ स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे और स्लेव डायनेस्टी को समझेंगे कि कैसे स्लेव डायनेस्टी का एरा स्टार्ट हुआ और स्लेव डायनेस्टी के पहले आखिर कौन था, कैसे स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई और कैसे दिल्ली सल्तनत का भारत में स्टार्टिंग हुआ, उसी से रिलेटेड हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की सबसे अच्छी बात आपने स्टार्टिंग में इसके प्रोमो से ही देख ली होगी, इसका बिल्कुल अलग ही विजुअल एक्सपीरियंस रहेगा आपको। तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर उसके बाद अपना रिएक्शन भी करिएगा, रिएक्शन भी दीजिएगा और बस इसी तरह से आपको ये आने वाली वीडियो इसी तरह से मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अगर हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करें तो स्लेव डायनेस्टी को हम लोग दूसरे नाम से या हिंदी में गुलाम वंश के नाम से जानते हैं या तो ममलुक वंश के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये बात उठती है कि स्लेव डायनेस्टी असल में स्टार्टिंग कहाँ हुई इसकी। तो स्लेव डायनेस्टी की जो शुरुआत है, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है, वो स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले राजा जो भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित किए तो उसमें उनका नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में भी जानना होगा। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में जानना होगा तो हमको मोहम्मद गौरी के बारे में जानना होगा। अगर मोहम्मद गौरी के बारे में जानना होगा तो हमें महमूद ऑफ गजनवी के बारे में जानना होगा। तो स्टार्टिंग हम महमूद ऑफ गजनवी से एक और पॉइंट पहले पर करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि या तो हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारे भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई वो मोहम्मद गौरी के आने के बाद हुई या महमूद ऑफ गजनवी के हमारे भारत में हमला करने के बाद हुई। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके पहले 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक राजा था, उसने भी भारत में हमला किया था। लेकिन हाँ, वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक हासिल या जो वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। तो इस वजह से शुरुआत तो उसने कर दी थी लेकिन सफलता किसने हासिल की, मोहम्मद गौरी ने। तो आइए फिर उसके बाद महमूद ऑफ गजनवी से स्टार्ट करते हैं। यहीं से हम लोग स्लेव डायनेस्टी के लास्ट जो राजा था ग्यासुद्दीन बलबन वहां तक पढ़ेंगे और बाकी जितना हो सकेगा मुझको मैं उतना कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महमूद ऑफ गजनवी से। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो महमूद ऑफ गजनवी था ये तुर्क का एक स्वतंत्र राजा था, अफगानिस्तान के एक छोटे एक राज्य गजनी नाम के या गजनवी नाम के एक राज्य का राजा हुआ करता था। इसका सपना था पूरे सेंट्रल एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने का। अब जब सेंट्रल एशिया की बात आ जाती है तो सेंट्रल एशिया में इतना बड़ा सेंट्रल एशिया में साम्राज्य स्थापित करने के लिए इसको बहुत सारे धन दौलत की जरूरत थी। तो जब बहुत सारे धन दौलत की जरूरत थी तो इस वजह से फिर इसने भारत के बारे में सुना हुआ था। अब जब भारत के बारे में इसने सुना हुआ था तो उसने सोचा कि जो पूरी ताकत है, जो भारत की समृद्धि है, उसको हासिल करने के लिए उसको भारत में हमला करना पड़ेगा। तो करीब 1000 AD से लेकर 1026 AD तक के बीच में महमूद ऑफ गजनवी ने भारत में करीब करीब 17 बार हमला किया। उन 17 बार हमला करने में उसने यहाँ पर जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे, यहाँ के जितने भी प्रसिद्ध महल थे, जितने जगह को हो सका उसने लूटने की कोशिश की और उसने लूटा भी। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध जिस जगह का नाम याद आता है उस जगह का नाम है सोमनाथ। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में स्थित जहाँ पर इसने लूटपाट की तो वहाँ पर से इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। तो उसके बाद ये जो जितनी भी यहाँ की बूटी थी या जो दीवार के जड़े हुए जितनी भी बूटियाँ थी उनको तक उखाड़ के ले गया और फिर वहाँ पर जाके उसने इसी तरह से वहाँ पर लाइब्रेरी, म्यूजियम और अपनी सबसे ज़्यादा तो सेना को ताकतवर बनाने में उसने पूरी कोशिश की थी और इसमें वो सफल भी हुआ था। महमूद ऑफ गजनवी के सोमनाथ की केवल लूटपाट के बारे में बात नहीं होती है, उसके द्वारा नगरकोट, थानेश्वर, कन्नौज, कलिंजर, मथुरा आदि जगहों में भी जो उसने लूटपाट की उसके बारे में भी हम लोगों ने यह पढ़ा है अपने इतिहास में। फिर उसके बाद बात आती है मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसको हम लोग मिजुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी इतिहास में इसको नाम दिया गया या इसका नाम इतिहास में इस तरह से भी दर्ज है, लेकिन हम लोग इसको मोहम्मद गौरी के नाम से हम लोग अब पढ़ेंगे या इसको जानते हैं। फिर जो मोहम्मद गौरी था वो भी उस समय अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गौड़ का एक जनरल हुआ करता था। फिर जैसे जैसे जब महमूद और गजनवी की मृत्यु के बाद जो गजनवी थे वो कमज़ोर होते गए, फिर उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था उसने इस चीज़ को मौका पाकर या इस चीज़ का मौका समझ के फिर उसने वहाँ पर खुद को या उसको सूबेदार वहाँ का गजनी का बना दिया गया। फिर उसके बाद जब उसने यहाँ के भारत के बारे में भी सुना हुआ था तो उसने भारत में सिर्फ जो हमले किए वो केवल लूटपाट के मकसद से नहीं किए, उसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के मकसद से भी किया था और वो इस बात में सफल भी रहा। फिर उसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के में उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी।
उसने सबसे पहले तो मुल्तान को जीता, फिर उसके बाद पेशावर, फिर उसके बाद लाहौर को जीता, फिर उसके बाद तराइन के युद्ध में, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो उसमें जो मोहम्मद गौरी था वो हार गया था, लेकिन फिर 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान मारे गए या हार गए। और फिर इसमें बात आती है, जब पृथ्वीराज चौहान का नाम आ ही गया तो इसके बारे में छोटी सी कहानी ही भी इसको सुन लेते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो भी एक राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे। पृथ्वीराज चौहान एक तरह से हम लोग आखिरी हिंदू राजा के तौर पर ये जाने जाते हैं भारत के। पृथ्वीराज चौहान उस समय हारते नहीं, इसके पीछे भी कई कारण थे। उस समय हमारे भारत में या राजपूतों के बीच में एकता का अभाव था, तो इस वजह से जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको बाकी राजाओं की जो मदद थी वो नहीं मिल पाई थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो जिसका नाम आता है वो राजा जयचंद का नाम आता है। जो राजा जयचंद थे वो भी उसी समय एक काफ़ी ताकतवर राजा थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र के बीच जो मनमुटाव का कारण था वो इस बात का था कि जो राजा जयचंद्र की बेटियों में से एक संयोगिता नाम की जो बेटी थी वो पृथ्वीराज चौहान से पृथ्वीराज चौहान को चाहती थी, और ये बात राजा जयचंद्र को पसंद नहीं थी। तो राजा जयचंद्र बेटी का जो स्वयंवर था पृथ्वीराज चौहान को नीचे दिखाने के लिए उसका आयोजन किया। उन्होंने उस स्वयंवर में सभी राजाओं राजकुमारों को बुलवाया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के। फिर उसके बाद जो वहाँ पर, और साथ ही साथ उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति भी बनवाई। जो मूर्ति थी, जो स्टैचू थी, उसको उन्होंने द्वारपाल में या द्वार पर खड़ा कर दिया, मतलब कि उनको और नीचा दिखाने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब यही चीज़ स्वयंवर के लिए जब उन्होंने उनकी मूर्ति देखी तो उन्होंने उसी मूर्ति पर माला चढ़ा दिया, और ये सब पृथ्वीराज चौहान भी वहाँ पर छुप कर देख रहे थे। फिर उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने को भगाकर फिर उसके साथ शादी कर ली थी, और इस वजह से जो राजा जयचंद्र थे वो इस बात से काफ़ी खफा थे। इस वजह से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की फिर युद्ध लड़ने में मदद नहीं की थी। फिर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हराया। फिर उसके बाद उसने मोहम्मद गौरी ने खुद राजा जयचंद्र को करीब 1194 में भी हराया था। फिर उसके बाद इसी तरह से मोहम्मद गौरी का भारत में एक तरह से मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का पूरा की पूरा रास्ता खुल चुका था, और उन्होंने स्थापना कर भी ली। फिर उसके बाद अभी फिर उन्होंने हरा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये जो भारत जब जीता, या भारत के जब दिल्ली को जीता, तो उसके बाद उन्होंने इसकी जो कमान थी अब तब जाके उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उनका एक ट्रस्टेड जनरल स्लेव था, मतलब कि उनका एक गुलाम भी था और उनका सबसे एक तरह से वफादार जनरल भी हुआ करता था। तो वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, अब आइए उसके बारे में समझते हैं। जो इसकी स्लेव की जो बात आती है, अब इसकी स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में चल लेते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूँ, जो स्लेव डायनेस्टी है उसका जो टाइम पीरियड है वो करीब 1206 से लेकर 1296 के बीच में है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड जो हमको भारत में देखने को मिलता है वो अप्रॉक्सीमेट 1206 से लेकर 1210 AD तक मिलता है। फिर उसके बाद बात कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक ट्रस्टेड स्लेव जनरल था मोहम्मद गौरी का। इसको बचपन में ही गुलाम द्वारा या इसको बचपन में ही गुलाम में एक पर्शिया में निशापुर पर्शिया के निशापुर में एक बाजार में इसको गुलाम के तौर पर खरीद लिया गया था, और उस खरीदने वाले का नाम था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी द्वारा। और इसने फिर उसके बाद उसको खरीदा था, और जब इसने उसको उस कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था तो वहाँ पर उसके अंडर में रहकर उसने धनुर्धर की विद्या और घुड़सवारी के साथ साथ कई और भी चीज़ें सीखी थी। फिर उसके बाद इसी तरह से इसका चलता रहा, और फिर अंततः जब लास्ट में आखिरकार ये किसी तरह से फिर मोहम्मद गौरी के पास पहुँचा, और फिर जब मोहम्मद गौरी के पास पहुँचा तो मोहम्मद गौरी इसके एक दरिया दिली की वजह से, इसके इतने अच्छे स्वभाव की वजह से काफ़ी प्रसन्न भी हुए थे। एक बार की बात थी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बाकियों की तरह कि कुछ इनाम मिला था, तो उसने इस इनाम को बाकियों के कुछ नौकरों में बांट दिया था। इस बात से प्रेरित होकर जो मोहम्मद गौरी थे वो काफ़ी, जो उनके राजा थे वो काफ़ी खुश भी हुए थे, और फिर इस वजह से कह सकते हैं हम लोग कि जो मोहम्मद गौरी था उसने इसको एक तरह से दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने इसको पूरा की पूरा सौंप दिया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने भारत में मुस्लिम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी पूरी तरह से। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सबसे ज़्यादा हम लोग एक तरह से इसको लखबख्श के नाम से भी जानते हैं, लाखों का दान करने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ही अच्छा राजा हुआ करता था, और उसने क्यूतवल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और साथ ही साथ अढ़ाई दिन के झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है,
और इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, इस प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण उसने उस समय प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा था। और ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो पोलो, आज के समय में उसको पोलो और उस समय पर शायद चौगन के नाम से जानते थे, उस खेल में घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के फिर उसके बाद उसका पुत्र आरम शाह राजगद्दी पर आया, परंतु जो आरम शाह था वो इतना काबिल नहीं था कि इसकी तरह से वो पूरे साम्राज्य को संभाल पाए। फिर उसके बाद जो इल्तुतमिश था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, वो राजगद्दी पर आया। और शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। और अगर हम लोग एक तरह से स्लेव डायनेस्टी के बारे में जानना चाहें तो स्लेव डायनेस्टी को हम लोग स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो जितने भी ज़्यादातर जितने भी मुख्य राजा हुए हैं, जितने भी बड़े समय तक राज करने वाले हुए हैं, वो किसी न किसी के गुलाम रहे हैं। अगर जैसे मैं इसी के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करूं तो ये खुद गुलाम रहा है। फिर इल्तुतमिश की मैं बात करूं तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम रहा है। फिर उसके बाद बात आती है उसकी ग्यासुद्दीन बलबन की, तो वो खुद इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 लोगों का जो अमीर व्यक्तियों का समूह जो नोबल बैंक का चहलगनी का जो उसने संगठन बनाया था उसी का ही एक सदस्य था और साथ ही साथ वो इसका गुलाम भी था। और फिर इसके बाद बाकी तो कोई इसके स्लेव डायनेस्टी में कोई राजा आता नहीं इनके अलावा। बाकी बीच में आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नसीरुद्दीन, फिर इनके अलावा रजिया सुल्तान भी आती है जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो इस वजह से बीच में ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया। फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में चलते हैं। शमशुद्दीन इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो करीब 1211 से लेकर 1236 एडी तक के बीच का है। और जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश था वो अपने डिप्लोमेटिक स्किल के लिए जाना जाता था, मतलब कि ये इसने अपने साम्राज्य को तुर्क मंगोल इन्वेशन से तुर्क मंगोल आक्रमण से बचाया था। और साथ ही साथ इसकी वजह से भी और कई कारणों की वजह से भी जो बगदाद के खलीफा थे, जो बगदाद के कैलिफ थे, उन्होंने इसको हिंदुस्तान के सुल्तान की भी उपाधि दी हुई थी। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये गुलाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और उसने कुतुब मीनार के निर्माण में तीन खंड और जोड़े थे। और कुतुब मीनार के बारे में फिर कभी चर्चा होगी। फिर उसके बाद जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश था उसने अपने समय में चालीसा का निर्माण करवाया था। चालीसा में वो जो चालीस जो नोबेल व्यक्ति हुआ करते थे उनका निर्माण करवाया था या उनका संगठन करवाया था। ये 40 लोगों का एक समूह हुआ करता था जो उस समय पर इसके साम्राज्य में जो जितने नोबेल व्यक्ति थे, नोबेल मैन थे, जितने भी कुलीन वर्ग के लोग अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, तो वो कहीं इसके खिलाफ खड़े ना हो जाए, तो इस वजह से उन निगरानी के लिए इसने फिर चालीसा का निर्माण करवाया था जिसको हम लोग चहलगनी के नाम से भी जानते हैं। और फिर उसके बाद इसने अपने साम्राज्य में इक्त सिस्टम ही लागू करवाया हुआ था। इक्त सिस्टम का मतलब होता था कि जिस जैसे इसने नोबेल मैन का या नोबेल चालीसा का निर्माण करवाया तो उसमें ये जो छोटे छोटे राज होते थे उनको वो इक्त में बांट दिया करता था, जो प्रोविंस के नाम से या हम लोग प्रोविंस कह सकते हैं उनको इक्त में बांट दिया करता था। और वहाँ की जो जिम्मेदारी थी जिस व्यक्ति को सौंपी जाती थी तो उसको इक्तदार कहा जाता था, या तो कह सकते हैं कि जो इक्तदार हुआ करते थे वो उस जमीन से पूरा की पूरी जिम्मेदारी उस जमीन के ऊपर उसी की हुआ करती थी और उसकी जवाबदेही राजा को होती थी, मतलब कि उसको किसी भी तरह का जवाब राजा को देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद इसने अपने समय में चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। और अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में एक बात बताना मैं भूल ही गया, इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, इसको अढ़ाई दिन के झोपड़े को का नाम इसका नाम इस तरह से क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का जो निर्माण था वो मात्र 2.5 days में करवाया गया था, मतलब कि ढाई दिन में, मतलब कि 2 दिन और तीसरे का आधा दिन, इतने समय में ही इसका निर्माण पूरा करवा लिया गया था, इस वजह से इसको हम लोग अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। फिर उसके बाद चलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में चर्चा बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना हो सके उतना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके इनके बारे में तो उतना ही अच्छा है। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है उसका टाइम पीरियड सुनिएगा गौर से, अप्रैल 1236 से लेकर नवंबर 1236 के बीच तक का, मतलब कि अप्रैल टू नवंबर, वो भी केवल एक साल के इतने से समय से लेकर इतने से समय के बीच का है। जो इल्तुतमिश था वो इतना योग्य था कि उसने अपने बेटे के बजाय अपनी जो बेटी रजिया सुल्तान थी उसको राजगद्दी पर बैठाया। क्यों? क्योंकि रजिया सुल्तान को वो जानता था कि वो कितनी योग्य शासिका बनेगी, अगर वो बनी तो कैसे वो पूरी तरह से समा सकती है, तो इस वजह से अपने बेटे के बजाय अपनी बेटी रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया। परंतु उस समय की जो सोच, जैसे कि आज के समय में सोच नहीं रह गई है, उस समय की सोच यही थी कि कोई भी राजा जो राजगद्दी पर बैठेगा वो कोई एक महिला कैसे हो सकती है।
तो इसी वजह से फिर जो रजिया सुल्तान थी उसके खिलाफ कई बार जो नोबेल व्यक्ति थे वो खड़े हो जाया करते थे और उन्होंने ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजगद्दी पर भी बैठा दिया था। लेकिन 9 नवंबर 1236 में जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह साथ ही साथ उनकी जो माँ थी शाह तो इसमें मार दिया गया था और फिर जिसके बाद से रजिया सुल्तान जो लोगों जनता थी उनके चाहने की वजह से या उनके दबाव की वजह से जो रजिया सुल्तान थी वो राजगद्दी पर आ भी गई थी। और जो रजिया सुल्तान है वो एक तरह से हम लोग पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका के तौर पर भी इनका नाम आता है। और जो रजिया सुल्तान थी वो बहुत ही योग्य थी, वो उनको तलवारबाजी काफ़ी पसंद थी, उनको घुड़सवारी भी काफ़ी पसंद थी। और रजिया सुल्तान साथ ही साथ जब कभी भी राज दरबार में आया करती थी तो वो कभी भी एक महिला के तौर पर नहीं आया करती थी, वो हमेशा एक पुरुष के तौर पर या उनकी एक जो पर्सनालिटी एक जो छवि रहती थी उस छवि के तौर पर अगर देखा जाए तो वो कभी भी उनके अंदर एक स्त्री वाला भाव नहीं रहता था। वो सिर्फ एक राजा जैसा होना चाहिए, जैसा जो प्रजा चाहती जो जनता चाहती वैसा ही बनने की वो कोशिश भी किया करती थी। फिर जब रजिया सुल्तान के बारे में बात आती और फिर उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में अगर और आगे जाएंगे तो इसमें हम लोगों को एक मलिक अल्तुनिया नाम का एक व्यक्ति मिलता है। जो रजिया सुल्तान थी वो मलिक अल्तुनिया के खिलाफ जब उन्होंने वो गई तो उसके बाद जो मलिक अल्तुनिया था वो एक नोबल मैन था, उनसे वो हार भी गई थी जब उसके साथ युद्ध हुआ या लड़ाई हुई तो उसमें वो हार भी गई थी और मजबूरन उनको फिर मलिक अल्तुनिया के साथ शादी भी करनी पड़ी। फिर जब मलिक अल्तुनिया के साथ शादी करने के बाद रजिया सुल्तान और उनके पति दोनों को ही फिर इल्तुतमिश के दूसरे किसी और बेटे द्वारा भी मार दिया गया था। फिर उसके बाद बात आती है नसीरुद्दीन फिरोज शाही, ये भी इल्तुतमिश का ही एक बेटा था। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो करीब 1246 से लेकर 1266 के बीच का है। और अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये नोबेल बैंड के हाथों की कठपुतली ही था, तो इस वजह से इसके बारे में ना पढ़ते हुए हम लोग ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ते हैं और जो कि आखिरी स्लेव डायनेस्टी का राजा माना जाता है। और जो ग्यासुद्दीन बलबन था वो भी काफ़ी ताकतवर व्यक्ति हुआ है, ये अपनी कई सारी जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ है उसके लिए जाना जाता है। और जो ग्यासुद्दीन बलबन था जो इल्तुतमिश द्वारा जो 40 लोगों का जो समूह तैयार कर किया गया था उसका ही एक सदस्य था। तो जब ये राजगद्दी पर आया तो इसने फिर अपने जितने भी 40 नोबेल व्यक्तियों का समूह था उन सभी को मरवा दिया और साथ ही साथ अपने विद्रोहों को भी या अपने यहां के अपने अंदर के जितने भी विरोध इसके खिलाफ उत्पन्न हो रहे थे उन सभी को भी इसने मरवा दिया। और जो ग्यासुद्दीन बलबन है इसके बारे में जो दो चीज़ याद आती है या जो दो चीज़ प्रसिद्ध है वो एक है सिजदा और एक है पैबोस। जो सिजदा हुआ करता था वो इसी ने शुरू करवाया था। और साथ ही साथ सिजदा पैबोस के बारे में बताने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो ग्यासुद्दीन बलबन था ये लोगों को कहा करता था कि जो राजा है वो एक भगवान का भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो जो दिक्कत होती है तो वो भगवान से या वो उनको राजा से ही कहनी चाहिए। तो अपनी इसी तरह की सोच के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी था। और जो ग्यासुद्दीन बलबन था उसके समय में उसने सिजदा और पैबोस नाम के दो कस्टम शुरू करवाए थे। जो सिजदा हुआ करता था उसमें जो लोग हुआ करते थे वो अपने माथे से सिर को जमीन को चूमा करते थे, मतलब अपने माथे से जमीन को छुआ करते थे और उसमें वो राजा को एक महान बताने की ही एक इस तरह की प्रथा हुआ करती थी। और साथ ही साथ एक पैबोस भी हुआ करता था। पैबोस में क्या हुआ करता था कि वो जो राजा होते थे तो वो राजा जब कभी भी कोई भी राज्य जीत कराए या उनके किसी महान गाथा को बताने के लिए उनको इतना ऊंचा बनाने के लिए महान बनाने के लिए उनके पैरों को भी चूमा करते थे। तो इन सब के साथ जो ग्यासुद्दीन बलबन था उसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है। तो मुझको लगता है कि आज आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आगे आज के लिए बस इतना ही है और आगे आने वाली वीडियो भी जो भी होंगी वो इसी के बाद टॉपिक से रिलेटेड होगी और उसमें हम लोग खिलजी वंश के बारे में भी बात करेंगे और अगर हो सकेगा तो उसके बाद भी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बाकी आपको पता ही कि क्या करना है।